Hello friends, I am Shekhu and you are watching our favorite Clean Heart channel. Hello friends, आज का वीडियो है अजंता की गारें। अजंता औरंगाबाद से 100 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों को तराश कर बनाई गई हैं। इसकी खसूसियत यह भी है कि पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ बनाने के साथ इसकी छत और दीवारों पर खूबसूरत रंगीन नक्शनगारी की गई है। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखना ना भूलना, उसमें पहाड़ी की चोटी से लिया गया बहुत ही खूबसूरत ओवरव्यू है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए देखते हैं अजंता की गारें। यहाँ गौतम बुद्ध के मानने वाले बहुत सारे लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। अजंता की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि यहाँ रंगों के ज़रिए मुख्तलिफ आप देखेंगे, हज़ारों साल पहले बनाई गई है डिज़ाइन, और उसके लिए जो रंग इस्तेमाल हुआ होगा हज़ारों साल गुजर गए, आज भी वो रंग जैसा कि वैसा है और वो डिज़ाइन आप देख सक रहे हैं रंगीन बनी हुई पत्थरों के ऊपर मुख्तलिफ पत्तियों से और न जाने कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर ये रंग बनाया गया था। उसकी दीवारों पर भी आपको नज़र आएगा वो रंग। इस सामने जो रंग से बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं, ये खुसूसी अजंता की पहचान है। जब भी आप अगर अजंता का ज़िक्र होगा वहाँ ये मूर्ति आप ज़रूर देखेंगे। दीवार पर रंगों से बनाई गई ये मूर्ति, अजंता की मूर्तियों की या गारों की वही खासियत है, यहाँ रंगों से नक्शनगारी की गई है। हेलो हेलो, केव्स नंबर 9। यहाँ ये बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। वो वहाँ से हमने चलना शुरू किया, गार नंबर 1 से 6 तक अधूरी है, 7 से कुछ बनी हुई है, 8, 9, ये 10 सबसे बड़ी अजंता की गार है, ये 11, 12, अब हम गार नंबर 13 की जानिब चल रहे हैं। नंबर 19 है, गौतम बुद्ध की खड़ी स्टैचू है यहाँ पर। हर जगह आपने गौतम बुद्ध को बैठा हुआ देखा है, यहाँ पर गौतम बुद्ध खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति है, केव्स नंबर 26। ये दरमियानी पहाड़ी गोल सर्कल, गोल इस तरह से गोल घूम के इधर से गारें, ये गारें, ये दरमियान की पहाड़ी और फिर इस तरह से गौर होते हुए एक नंबर गार की तरफ रास्ता चला जाएगा। और इस अजंता के उसके पहाड़ के नीचे की जानिब के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं आ गया। अब बस्ती से दूर कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की प्रार्थना करते हुए यहाँ बैठा करते थे, ध्यान में बैठा करते थे यहाँ पर आकर।
और उन्होंने यहीं पर फिर वो गौतम बुद्ध की मूर्तियां तराश कर इस पहाड़ को इस तरह से तराश कर ये गारें बनाई। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल बटन फॉर ऑल अपडेट्स। थैंक यू।